कि जो चंद लोग ये सब कुछ कर जाते हैं इनको सजा याफ्ता करना चाहिए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि पूरी कौम को आप चपेटे में ले लो। पुलवामा आतंकी हमले पर विवादित बयान देना नवजोत सिंह सिद्धू को काफी भारी पड़ रहा है। हर कोई उनकी आलोचना कर रहा है और खरी खोटी सुना रहा है। एक तरफ अगर ये दर्दनाक खौफनाक हादसे होते हैं, दूसरी तरफ उसके साथ साथ डायलॉग भी चलता है, जहां एक ओर उन्हें कॉमेडी शो द कपिल शर्मा से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया, वहीं ट्विटर पर लोगों ने सिद्धू के बयान के खिलाफ #boycottसिद्धू चला दिया। लेकिन अब इन सब के बीच में सिद्धू के सपोर्ट में आए हैं कपिल शर्मा। कपिल शर्मा ने एक निजी न्यूज चैनल से बातचीत में कहा, नवजोत सिंह सिद्धू अपने राजनीतिक काम के चलते बिजी थे, इस वजह से उनकी जगह अर्चना पूरन सिंह को लिया गया। वैसे ये बहुत बड़ी बात नहीं है, हो सकता है कि कुछ लोग सोशल मीडिया पर प्रोपेगेंडा चला रहे हो। मुझे ऐसा लगता है कि नवजोत सिंह सिद्धू को शो से बाहर कर देना कोई उपाय नहीं है। दोनों देश जिस समस्या से फिलहाल जूझ रहा है उसका एक ठोस हल निकालना चाहिए। इतना ही नहीं, कपिल ने यह भी कहा कि यह छोटी छोटी चीजें होती हैं, उसे बैन कर दो, उसको निकाल दो। अगर सिद्धू जी को शो से निकालने से इस मसले का हल हो जाता है तो वो खुद समझदार है, खुद ही चले जाते, हैशटैग चला देते हैं बॉयकॉट सिद्धू या बॉयकॉट कपिल शर्मा शो से, ज्यादा कुछ नहीं होता। मुझे लगता है कि यार मुद्दे की बात करो और अगर सच में समस्या है तो उस पर फोकस करो, इधर उधर मत भटको। आप लोग यूथ का ध्यान डाइवर्ट कर रहे हो ताकि हम लोग असली मुद्दे से हट जाएं। आप कपिल शर्मा के इस बयान का चाहे कोई भी मायने निकाल सकते हैं, लेकिन अगर सामान्य रूप से देखा जाए तो ये बेहद आपत्तिजनक बयान है। शहीदों की शहादत कोई छोटी मोटी चीज नहीं होती, देश के मान सम्मान और स्वाभिमान की बात होती है। ये वैसी बात नहीं है कपिल जी, जैसे फ्लाइट में आपने अपने टीम के मेंबर्स के साथ ही गाली गलौज कर ली थी। यहाँ दो देश के बीच की पुरानी रंजिश है। सिद्धू का क्या है, वो राजनेता है, ऐसे बयान देना, अटेंशन पाना उनकी पुरानी फितरत है। लेकिन आप कलाकार हो, देश भर में आपके लाखों चाहने वाले हैं, आप जो भी हो इस देश की वजह से हो, तो कम से कम देश के मुद्दे पर बोलने वक्त सोच समझ के बोला कीजिए। सिद्धू जी से आपके अच्छे संबंध हो सकते हैं, कोई हर्ज नहीं, लेकिन उनकी हर बात का बचाव करने के चक्कर में इस स्तर पर ना उतरिए कि सैनिकों के शहादत का ही अपमान कर लीजिए। बाकी तो आप खुद ही समझदार हैं। कि जो चंद लोग ये सब कुछ कर जाते हैं इनको सजा याफ्ता करना चाहिए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि पूरी कौम को आप चपेटे में ले लें।